तीसरे वनडे मुकाबले में जिम्बाब्वे के खिलाफ टीम इंडिया किसी तरह से हार को टालने में सफल रही। भारत से मिले 290 रनों के लक्ष्य के जवाब में जिम्बाब्वे की टीम ने जमकर लड़ाई लड़ी और पूरी टीम 276 रन बनाकर ऑल आउट हुई। मेजबान टीम की ओर से सिकंदर रजा ने 115 रनों की यादगार पारी खेली, लेकिन वह टीम को जीत नहीं दिला सके। रजा के अलावा सेन विलियम्स ने 45 रनों का योगदान दिया। इससे पहले टॉस जीतने के बाद बैटिंग करने उतरी भारत टीम को धवन और कप्तान राहुल ने बढ़िया शुरुआत दी और पहले विकेट के लिए 63 रन जोड़े। राहुल 30 तो धवन 40 रन बनाकर आउट हुए। इसके बाद क्रीज पर उतरे शुभमन गिल और ईशान किशन ने तीसरे विकेट के लिए 140 रन जोड़े। ईशान अर्धशतक तक पूरा करने के बाद चलते बने। गिल हालांकि एक छोर पर खड़े रहे और उन्होंने 82 गेंदों में अपने वनडे करियर का पहला शतक ठोका। गिल की 57 गेंदों में खेली 130 रनों की बेहतरीन पारी के दम पर भारत टीम स्कोर बोर्ड पर 279 रन लगाने में सफल रही। इस जीत के साथ ही टीम इंडिया ने जिम्बाब्वे का सूबरा साफ करते हुए सीरीज को 3-0 से अपने नाम कर लिया है।